हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कुछ रेशियो होते हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहलाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हम इनको निकालते कैसे हैं? हम इनको एक राइट ट्राइंगल के जरिए निकालते हैं, जो कि राइट ट्राइंगल ए बी सी है और इसमें एक एंगल भी दे रखा है, एंगल थीटा। ए बी सी एक हमारा राइट ट्राइंगल है और हम इसको मान लेते हैं एंगल सी ए बी। सी ए बी इक्वल टू होता है हमारा थीटा। हम इसको भी मान सकते हैं एंगल को, एंगल इसको भी मान सकते हैं, लेकिन आपको जो उचित लगे वो मानना, जो उचित लगे वो मानना। जो हमारा एंगल होता है, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो उसके पास वाली साइड होती है, एंगल के पास वाली साइड जो कि ए बी है, वो होता है हमारा बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। अब एक ट्रिक है, उस ट्रिक के जरिए हम आपको बताएंगे निकालते कैसे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस प्रकार निकालते हैं। ऐसे हम जैसे जैसे दे रखा है बी सी हाइपोटेन्यूस कितना, ए सी बेस कितना दे रखा है हमारा एस बी, और हाइपोटेन्यूस ए सी। इस प्रकार परपेंडिकुलर बी सी, बेस हमारा ए बी। ये हमारे साइड हैं जो हमको हमने आपको इस प्रकार बताई हैं। इसके कुछ रिलेशन भी होते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के, जो कि रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, जो कि साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, या हम ऐसे कह दें इसको कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक इंटू साइन थीटा इक्वल टू वन। इसी प्रकार हम कॉस का भी लिख लेंगे, ये होता है इसका वन अपॉन सेक थीटा इक्वल टू, मतलब इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। अब हम सेक थीटा इक्वल टू भी लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू वन। इस प्रकार हम टेन थीटा का भी ले लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका कॉट इंटू टेन थीटा इक्वल टू वन। इस प्रकार हम इसको कुछ इसके क्वाशेंट रिलेशन होते हैं, जो कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। अब आपको वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स की, जो जैसे साइन थीटा, ये हमारे एंगल्स दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये इस प्रकार, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इस प्रकार हम आपको वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, पहले 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार लिख लेंगे। फिर हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तो हुआ है हमारा साइन, ये हुआ है कितने का हमारा 0 का, ये 30 का, ये 45 का, ये 60 का, ये 90 का। अब इसको हम 4-4 से सब में भाग दे देंगे, ये लग गया हमारा भाग। अब भाग दे करके अंडूल लगा देंगे हर पे, हर अंडूल लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 का 1, और 4 का कितना होता है अंडरूट 2, तो ये कितना हो गया 1/2। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा 1 का 1, और 2 का तो रूट 2 ऐसे लिख लेंगे हम इसका। अब 3 का अंडरूट 3 हो जाएगा, इसका अंडरूट 3, और इसका 4 का कितना हो जाएगा 2। अब क्या है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 का कितना होता है 1, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0, सॉरी साइन 0 की वैल्यू, साइन
साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन तीस की वैल्यू 1.2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 3/√2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्या करेंगे हम, अब इस प्रकार हम कॉस को लिख लेंगे। अब कॉस को क्या करें, जो वैल्यू साइन 90 की होती है वो वैल्यू कॉस 0 की होती है, तो साइन 90 की 1 है तो वो किसकी हो जाएगी, कॉस 0 की। और जो वैल्यू साइन 60 की होगी वो कितनी हो जाएगी, कॉस 30 की। जैसे साइन 60 की है तो कॉस 30 की हो जाएगी कितनी, √3/2। ऐसे इस प्रकार जो वैल्यू साइन 45 की है वही वैल्यू रहेगी साइन, जो वैल्यू साइन 45 की वही वैल्यू कॉस 45 की रहेगी, तो ये भी 1/√2 हो जाएगी। अब क्या है, जो वैल्यू 30 की है वो कितनी होगी, 60 की हो जाएगी। जो वैल्यू कॉस 30 की है वो कॉस 60 की हो जाएगी, इस प्रकार जो हमने लिखा है। और जो वैल्यू कॉस 0 साइन 0 की है वो कॉस 90 की हो जाएगी, कितनी, 0। अब टेन की हम किस प्रकार लगा रहेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कोसेंट रिलेशन में जो कि टेन थीटा होता है हमारा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि हम 0 में 1 का भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, 0। अब ऐसे ही इस प्रकार इसको करेंगे हम, इस साइन अपॉन कॉस करेंगे तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/√3। ऐसे इस प्रकार इसको 1 हो जाएगा, ऐसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3। और ये कितना हो जाएगा हमारा, अब इसको हम देंगे जो है नॉट डिफाइंड, जो कि हम 0 का भाग 1 में देते हैं तो इंडेफिनिट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बोल दिया, या एनडी लिख देते हैं शॉर्ट में, नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में गाइस, ऐसे ही इस प्रकार हम कॉट का भी निकालेंगे। जो वैल्यू 1090 की थी वो वैल्यू कॉट 0 की होगी, जैसे कि नॉट डिफाइन आ जाएगा, 1090 कितनी थी, नॉट डिफाइन 10 0, कॉट 0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन। जो वैल्यू कॉट 60 की थी, जो कॉट 60 की, जो वैल्यू 1060 की थी वो कॉट 30 की हो जाएगी, और कॉट 60 की 1060 की कितनी है, √3, तो ये कितनी हो जाएगी, कॉट 30 की √3। इस प्रकार जो वैल्यू कॉट 45 की है वो वैल्यू 1045 की तो है ही है, तो वो भी वैल्यू कितनी है, कॉट 45 की, जो कि 1 है। जो वैल्यू 1030 की है यानी 1030 की है वही वैल्यू कॉट 60 की होगी, 1/√3। जो वैल्यू 1010 की है, जो वैल्यू 1010 की है वो 10 cot 90 हो जाएगी, तो क्या है हमारी, 0। इस प्रकार हम, अब इसका क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रेशियो भी पढ़े होंगे, इसी प्रकार हम आपको बताएंगे कि